आया था, पूरी बॉडी वाइब्रेट होती थी बात करते करते, हमेशा साइन चेंज होती थी। आत्मजी 600 लोग मेडिटेशन चालू है 600 लोगों से। सो यहाँ पे डेली सवेरे 4 से 9 बजे तक 10 घंटा पत्थर के माफिक स्थिर बैठ के ध्यान करने का है। दुनिया को भूल जाने का 9 दिन, इसके बारे में सोचने। खूप शांतता आहे इथे आणि मस्त वाटतं वातावरण। आणि हां, विपासना म्हणून जे आहे जो स्टार्टिंगला 10 दिवसाचा कोर्स असतो तो पण इकडेच होतो। ज्या रस्त्याने आपण त्या रस्त्याने पुढे आल्यानंतर हे यांचं कार्यालय, तिथे रजिस्ट्रेशन वगैरे होतं विपासनासाठी। म्हणजे तुम्हाला जर कोर्स वगैरे करायचा असेल विपासनाचा तर ते इथे रजिस्ट्रेशन होतं, ऑनलाईनही अवेलेबल आहे, तर ऑनलाईन तुम्ही करू शकता। मी तुम्हाला लिंक देईल त्यांच्या साईटची। तर सो चला आता ते आले वापरतो। बंद करके अंदर की दुनिया भी देखी जाती है, ये आपको मेडिटेशन से खुद समझना है। कभी तक हमने अंदर की दुनिया देखी थी, अंदर देखने की कला मालूम हुई, प्रेजेंट टेंस में जीने की कला मालूम हुई, खुद भविष्य में ज़्यादा दौड़ते। जिसका प्रेजेंट टेंस सक्सेस है वो फ्यूचर सक्सेस है। ये कुछ करने के बाद आपका सही में नया जन्म आफ्टर कोर्स आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, विल पावर बढ़ जाती है, काम करने की ताकत बढ़ती है, प्रॉपर डिसीजन लेते हैं वो भी कम समय में ले सकते हैं, अवेयरनेस आ जाता है। और आज तक जितनी भी गलतियाँ हुई हैं आफ्टर कोर्स बहुत कम होती है। अगर आपने 100% रूल फॉलो किया तो 9 दिन एवरी टाइप्स ऑफ पढ़ने का मन, लिखने का मन, पढ़ने का मन, इशारों का मन, बाकी लोगों के बारे में सोचने का, दुनिया को भूल जाने का 9 दिन, इसके बारे में सोचने का, जो पता है वो मेडिटेशन करने का, सही में आपका बेल वस्ती है। और इधर एंट्री करने के बाद जिंदा रहने के लिए जितना लगता उतना ही खाने का, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा खाना भी ज़्यादा खाया तो उसकी नशा होगी, बैठे बैठे नींद आएगी। यहाँ पे डेली सवेरे 4 से 9 बजे तक 10 घंटा पत्थर के माफिक स्थिर बैठ के ध्यान करने का है, अंदर देखने का है। तो मिनिमम खाना रहे तो ही आप ये काम कर सकते हैं, खाली 10 दिन के लिए। 9 दिन मौन, 10वें दिन बात कर सकते हैं, तो आप होश में आ जाएंगे, आपका ईगो निकलना शुरू हो जाएगा और रियल लाइफ आप सक्सेसफुल जी सकते हैं। आफ्टर कोर्स एक एक मिनट का आप बेनिफिट ले सकते हैं, खुद का भला करके हजारों लोगों का भला करने की ताकत आप में आ सकती है, अगर आपकी इच्छा है तो, रेयर पर्सन बनने की इच्छा है तो, नहीं तो नहीं। 89 होना था उनका, ब्रह्मदेश में उन्होंने 14 साल इसका स्टडी किया, टीचर बने, 69 में इधर आए, 76 से सेंटर चालू। सामने वाली विंडो दिखती है वो कॉमन हॉल है, 200-250 लोग बैठेंगे ऐसे ऐसे, पूरे 10 दिन वहाँ पे मेडिटेशन होता है, ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, कितना टाइम भी बैठो आपको कोई तकलीफ नहीं। सामने का पगोड़ा है, ये मंदिर नहीं है, ये सार्वजनिक विद्या है, कुदरत का कानून है, पूरा साइंटिफिक है, 100% प्रैक्टिकल है। इसमें 3x6 की 400 रूम है अकेले बैठ के ध्यान करने के लिए। हिमालय में ऋषि मुनि 3x6 की अकेला बैठ के ध्यान कर सकता है, 400 रूम है उसमें। दूसरे पैगोड़ा में 150, तीसरे पैगोड़ा में 150, ऐसे 3 पैगोड़ा है, ऐसे 8 हॉल है,
और ये 100 एकर का एरिया, दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर, दुनिया में जितने भी सेंटर हैं इंडिया में तो यहाँ से कंट्रोल होते हैं यहाँ पे मेन एडमिशन। जगण्यापुर खा तुम्हाला झोप येणार नाही, थोडं पाणी मी थोडं जास्त घेतलं त्याचाही असर होतो, ते पहिल्या दिवशी तुम्हाला प्रमाण समजून घ्या, दुसऱ्या दिवशी कंट्रोलमध्ये करतो। दिवसभर बसायचं तर फक्त जेवढं एनर्जी लागते तसापैकी किती वेळ वाया जाते हे बघून आपण आपलं कंट्रोल करायचं, काही कठीण नाही आहे। 80 वर्षाच्या म्हातारे करता आपण कराल, फक्त पॉझिटिव्ह राहा, काहीतरी फक्त तुम्हाला 10 दिवस करायचं आणि पुरा आयुष्य तुमच्याजवळ आहे ना, ह्या 10 दिवसावर तुमचं पुढचं आयुष्य सक्सेस आहे। इथं तुम्ही शरीराचे लाड केले आणि वेळ वाया घालवला, तुम्ही स्वतःचे दुश्मन आहे, दुसरा दुश्मनी करेल किंवा करेल। जी वेट हो गया था, पूरी बॉडी व्हायब्रेट होती थी, बात करते करते हमेशा साइन चेंज होते थे, एक साल में मरने वाला था। तुम्ही सीढ़ी कुठची सांगितली हे 10 मिनिटाची ध्यानाची, 10 मिनिटाची ध्यानाची सीढ़ी द्या म्हणा, हिंदी इंग्लिश जे पाहिजे ते, त्याच्यावर 10 वर्षाच्या मुलापासून कोणी प्रॅक्टिस करू शकतो। एक कोर्स में सब बातों में नील हो गया, जब से वो टाइम चालू है मेरा 10 के बाद कोई भी जो 10 मिनट बैठ सकता है थोड़ा समझ सकता है, 9-10 साल का बच्चा भी चलता है उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, और एक बार उस श्वास देखना शुरू कर दिया तो फिर चमत्कार ही हो जाता है, फिर वो तो एक झटके में आयस भी हो जाए। मित्रों पगोड़ा चीज आता अपन जाऊ शकत नहीं, कारण जस संगित मेरी कोर्स चालू है 10 दिवसाचा, तो कोर्स 4 तारखेला एंड होता है, परत 7 तारखेला चला जाता, जर त्याच्यामध्ये आलो तर आपल्याला तिकडे जाता येईल, तर पगोडा बघता येईल। सो बॅड लक, की आता आपल्याला ते बघता येणार नाही पगोडा।